देख रहे हैं माइनॉरिटी न्यूज़ और मैं हूं आसिफ खान। आज आपको आवाज़ें जो बाहर से आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी क्योंकि हम स्टूडियो में नहीं। काफ़ी वक्त से देखने में आ रहा है कि YouTube चैनल पर जो लोग भी इस तरीके का काम कर रहे हैं उनके चैनलों को हैक कर लिया जाता है, गायब कर दिए जाते हैं या वीडियो रिमूव कर दी जाती है। आज से काफ़ी वक्त पहले, लगभग महीने डेढ़ महीने पहले ही अकरम रईस खान, जो कि मुख्य संपादक हैं धाकड़ खबर के, उनका कहना था कि इस तरीके से हमारे चैनल को हैक कर लिया गया, लेकिन वो दोबारा रीएक्टिवेट हो गया। लेकिन इस बार जो घटना घटी है वो बड़ी ख़तरनाक लगती है क्योंकि पूरे सब्सक्राइबर गायब हैं और सारी वीडियो डिलीट बताए जा रहे हैं। फिलहाल अभी यूट्यूब से उनकी बातचीत चल रही है, लेकिन आगे क्या मामला निकल के आता है जब तक उनकी अपडेट पाने के लिए आप धाकड़ समाचार पर जा सकते हैं। वहीं हम साथ में बताएंगे कि आप अगर जाना चाहें तो लेस टाइम पर भी जा सकते हैं, इंडिया फायर न्यूज़ पर भी जा सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं, अगर आपस में सभी लोग जुड़े रहते हैं तो एक दूसरे की खबर लोगों को मिलती रहे। इसी तरीके से हमारा इंडिया लुक न्यूज़ है। अगर आप चाहें, हो सकता है कि आज किसी और का चैनल बंद हुआ है कल को, क्योंकि जो बेबाक राय रखते हैं उन लोगों का चैनल भी बंद हो सकता है। तो इसलिए अगर आप चाहें तो हमारे दूसरे चैनल पर जाके उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया गया है। तो आप चाहें तो इन सभी चैनलों पर, कभी खुदा ना खास्ता हमारे साथ भी ऐसी घटना घटे तो हम आगे इन चैनलों पे आपसे मुलाकात कर पाएंगे। जहां एक तरफ देश के अंदर रवीश कुमार ने कहा था गोदी मीडिया, तो वो गोदी मीडिया साबित हो चुकी है कि वाकई देश के अंदर गोदी मीडिया आज के वक्त में सबसे ज़्यादा एक्टिव है। आप लोग भी टीवी देखना बंद कर दें अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, दिमाग पर स्ट्रेस नहीं लाना चाहते हैं। मैंने भी अपना लगभग 6 महीने पहले टीवी का कनेक्शन कटवा दिया है। मैं जो चाहता हूँ इंटरनेट पर देखता हूँ, जो मुझे पसंद है, ज़बरदस्ती पैसे देकर मैं दूसरी कंपनियों के विज्ञापन देख के ऐसे चैनलों को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। तो देश में उन्माद फैलाते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान को लड़वाते हैं और हिंदू मुसलमान को लड़वाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी खबरों से दूर रहें तो आप पैसे देकर मुसीबत लेना छोड़ दीजिए, यानी कि टीवी का रिचार्ज कराना बंद कर दीजिए। आप जो भी देखना चाहते हैं इंटरनेट पे देख सकते हैं।